जैन सोशल ग्रुप की ओर से सूरसदन प्रेक्षागृह में भजन सम्राट अनूप जलोटा की भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनूप जलोटा ने प्रभु के चरणों में भजन पेश किए। श्रोता उनके भजन सुनकर निहाल उठे। भजन संध्या का शुभारंभ एफ मेक अध्यक्ष पूरन डाबर व समिट इंडिया के चेयरमैन श्याम जाजू ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष संदेश जैन ने कहा कि ताज नगरी के धर्म प्रेमियों की डिमांड पर सूरसदन में यह भजन संध्या आयोजित की गई है। यहां भजन सम्राट ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में भजन पेश किए। आज उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन तीन काम किए हैं। एक तो ब्रज सम्मान समारोह में आए हैं, उसमें उनको सम्मान मिला है। दूसरा, उनकी आज से उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। और तीसरा, उनकी भजन संध्या है। तो हाँ, उनका वो उनकी गज़ल भी पसंद है, भजन भी पसंद है उनकी। और उनकी जो फिल्म है उसमें मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। हाँ, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज उनको सुन रहे हैं हम लोग और पूरा शहर सुनने के लिए ललायत है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो शैली है और उनका जो अंदाज है गाने का, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। भजन संध्या में मुख्य अतिथि श्याम जाजू ने कार्यक्रम के आयोजकों को शुभकामनाएं दी। संदेश जैन जी के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अपना देश आध्यात्मिक देश है। यह आध्यात्मिकता इसी कार्यक्रमों से होती है। सरकार अपना काम करती है, उसके साथ साथ एनजीओज, हर नागरिक अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे, इससे देश में समृद्धि बढ़ती है, लोगों की आध्यात्मिकता, पवित्रता, ये सब इसमें तैयार होती है। और अनूप जलोटा जी जैसा भजन सम्राट आज उन्होंने यहाँ पर लाकर पूरे आगरा वासियों को एक अच्छा मौका दिया है, अच्छा अवसर दिया है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। भजन संध्या में देर रात तक भक्त अनूप जलोटा की भजन प्रस्तुति में खोए रहे। कार्यक्रम का संचालन कवियत्री निशी राज ने किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।